मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माउथ के बारे में, यानी कि ओरल कैविटी के बारे में, कि ओरल कैविटी क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं हमारे मुंह में, ह्यूमन बॉडी के मुंह में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, उसके माउथ में कौन कौन सी लेयर्स होती है, कौन कौन सी लेयर्स की टिश्यू होती है, या फिर कौन कौन सी ग्लैंड होती है जिससे कि हमें खाना खाने में, डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बस एक माउथ यानी कि सिर्फ ओरल कैविटी, इस ओरल कैविटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल टंग हो गए, टीथ हो गई, यहाँ से ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, तो हम इस ग्लैंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आज ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर टीथ है, फिर उसके अलग स्ट्रक्चर होते हैं, टीथ के भी टाइप्स भी होते हैं और उसके फिर अलग फंक्शन है। ठीक है, टंग होती है, टंग भी बहुत सारे मसल से बनी होती है और इसके फंक्शन भी अलग है। उसके बाद जो जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है ऊपर आपकी हो गई सॉफ्ट पैलेट, उसकी भी अलग अलग स्ट्रक्चर है और फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपकी हुई टॉन्सिल, उसका भी अलग काम है हमारे बॉडी में, हमारे डाइजेशन में, हमारे पूरे बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होती है, ये सभी का अलग अलग काम है। ठीक है, तो आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम सिर्फ माउथ यानी कि सिर्फ ओरल कैविटी, यानी कि एक अगर जब हम मुंह खोलेंगे तो एक खोखला सा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं माउथ या फिर ओरल कैविटी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं माउथ क्या है। माउथ को हम बोलते हैं ओरल कैविटी भी, क्योंकि एक तरह से ये एक बॉक्स की तरह होती है जिसके अंदर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये किस चीज़ से बनी होती है हमारी माउथ, या तो मसल्स और फिर बोन्स से बनी होती है। ठीक है, मसल्स और बोन्स दोनों मिल करके ओरल कैविटी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, या फिर माउथ बनाते हैं। ठीक है, आगे से अगर हम ओरल कैविटी की बात करें, माउथ की बात करें, तो आगे से क्या है, आगे से लिप्स है ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर वाले को अपर लिप्स, नीचे वाले को लोअर लिप्स। ठीक है, पीछे से क्या है, पीछे से कंटिन्यू, यानी कि अगर हम मुंह खोलेंगे, ये कैसा स्ट्रक्चर है, जब एक बड़ा सा मुंह अगर हम खोलेंगे तो उस टाइम में हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मुंह के अंदर देखने को मिलेगा। तो जब हम मुंह खोलते हैं तो जो पीछे वाली जो स्ट्रक्चर है, आगे से लिप्स हुई और जो पीछे जो लाइन दिखती है, जो पीछे जो मेम्ब्रेन दिखती है, वो कहाँ जाती है, वो फिर जाती है क्या, फेरिंग्स की तरफ। इसीलिए बोलते हैं माउथ और फेरिंग्स दोनों ज्वाइंट होकर के पीछे की तरफ जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। तो पीछे से इसके स्ट्रक्चर कैसे हो गई, पीछे से ही जाकर के कनेक्ट हो गई फेरिंग्स में, यानी कि माउथ भी है और फेरिंग्स भी है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। ओके, उसके बाद ऊपर से क्या होती है, मतलब जब हम मुंह खोलते हैं तो ऊपर, जब हम मुंह खोलेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें क्या दिखने को मिलेगा, उसमें आगे वाला पोर्शन, मतलब ये जो जस्ट टीथ के जस्ट ये वाले टीथ, आगे वाले जो टीथ है उसके जस्ट नीचे क्या हार्ड एक टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा ऊपर के साइड से। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे हार्ड पैलेट। और जब हम मुंह जब हम खुला हुआ रहता है तो हम अगर देखेंगे डायरेक्टली सामने से देखेंगे तो हमें यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है पीछे से, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, फिर नीचे से कैसे मिलेगी, नीचे से अगर हम टंग को उठाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, पहले तो नीचे एक मस्कुलर टंग है। ठीक, मस्कुलर टंग के बाद क्या, अगर हम टंग को उठा देंगे तो बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कि मुंह के नीचे होते हैं, टंग को अगर हम उठाएंगे तो बहुत सारी टिश्यूज़ होती है वहाँ पे। ठीक है, तो हम नीचे से क्या होगा, नीचे से टंग हो गई इसके पास, ओरल कैविटी के पास नीचे से टंग हो गई और उसके बाद बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो गम्स होती है और जो चिक्स है, यानी कि ये मसूड़ा जो होता है और ये जो आपकी चिक्स होती है साइड में, ठीक है, मतलब ये जो लिप्स है इसके बीच में ये वाली जो पोर्शन हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ये वाली पोर्शन। जब हम आप टीथ जब हम आप खोलेंगे तो जो लिप्स के अंदर में, अगर आप लिप्स को हटाएंगे तो अंदर में एक रेड कलर की पार्ट आती है जो टीथ के जस्ट नीचे होती है, रेड रेड, ये पूरी रेड होती है, ऊपर में भी होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो आपको साइड में देखने को मिल रही है उसको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब हम आप अपना जब मुंह खोलते हैं, जब आप किसी का मुंह खुला हुआ देखते हैं तो ऊपर में आपको मैंने बताया भी कि हार्ड पैलेट दिखती है और अगर पीछे से देखें तो वो सॉफ्ट पैलेट होती है। ठीक है, तो जब वो मुंह जब खुला होता है तो एक तरह से साइड से एक आर्च बनती है, एक तरह से साइड से एक फोल्ड बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैलेटोफेरिंजियल आर्च। ठीक है, और फिर दो चार फोल्ड बनती है एक ही साइड से, कि जब मुंह जब खुलता है तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपना मुंह खोल करके आप देख सकते हैं। तो जो पीछे से, यानी कि जो पीछे वाली आर्च बनेगी उसको बोलेंगे
फेरिंजियल आर्च, पैलेटो फेरिंजियल आर्च, ठीक है। और जो आगे वाली आर्च बनेगी यहाँ पास में, उसको बोलेंगे पैलेटो ग्लॉसल आर्च, ठीक है। जो माउथ की जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से कैसी होती है, वो अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, पूरी ओरल कैविटी, पूरी माउथ, और बाहर से स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम सेल्स की बनी होती है, ठीक है। जो क्या कंटेन करती है, जो म्यूकस कंटेन करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड को कंटेन करती है। ये जो पूरी माउथ की जो कैविटी है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, और सिक्रीटिंग ग्लैंड कंटेन करती है, जो क्या सिक्रीट करती है, जो म्यूकस सिक्रीट करती है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाए, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाया है, जब आप मुंह खोलेंगे तो साइड में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ग्रीन होती नहीं है, ये मैंने अलग अलग कलर इसलिए बनाया ताकि आपको सही से पता लग पाए कि कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर की है, जनरली ये सारी रेड ही कलर की होती है, ठीक है, और टीथ हमारी व्हाइट कलर की होती है। तो ये जो साइड में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक। उसके बाद पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स क्या है, अगर आप मुंह खोलेंगे तो आप पाएंगे कि जो अंदर से जो हम खाना खाते हैं तो अंदर से जो लाइनिंग दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स जो है उसकी वो पीछे वाली वॉल है, ठीक है। ये जो लटकी हुई स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं यूवला, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं, चलो टंग हो गई, टीथ हो गई, और ये लोअर लिप हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि माउथ यानी कि ओरल कैविटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अभी हम इसके कोई भी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अभी हम सिर्फ इसके कैविटी की बात कर रहे हैं कि ओरल कैविटी में क्या होती है और ये किस तरह से इन सभी स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखती है, क्योंकि ये बाहर से एक तरह से कवर करके रखती है इन सभी स्ट्रक्चर को। एक तरह से समझ लीजिए कि एक तरह से ये, इस तरह हम बर्तन को एक रखते हैं बॉक्स में, तो उसी तरह से ये बहुत सारे स्ट्रक्चर जिसको ये ओरल कैविटी अपने अंदर कंटेन करके रख रखी है। जो पैलेटाइन टॉन्सिल है वो स्वेल हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पैलेटाइन जो टॉन्सिल है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो क्या होती है, वो लिम्फोइड टिश्यू होती है। और हम सभी को पता है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे बॉडी में वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, और अगर इन्फेक्शन से पहले वो लड़ते हैं, और अगर वो इन्फेक्शन लिम्फोइड पे या फिर लिम्फ नोड्स पे अगर हावी हो जाता है, मीन्स हमारा अगर इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन के सामने अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है वो होता है लिम्फ नोड का स्वेलिंग होना। हमारे बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन लग जाती है तो इसका मतलब है, यहाँ पर आपको अगर दर्द होगी इसका मतलब है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो सर्दी जुकाम होती है उसमें भी आपको यहाँ पे गाल के पास दर्द होता है जिसको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, तो वो टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाती है जिसके कारण आपको दर्द महसूस होती है, ठीक है। तो एक तरह से लिम्फ नोड हमारे बॉडी के लिए क्या है, प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रोटेक्टिव है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम टीथ और उसके फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बारी बारी से इन सभी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा है, मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी यानी कि माउथ के बारे में पढ़ा है। इन सभी के स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अगले वीडियो में हम टीथ के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। टीथ क्या होती है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको ओरल कैविटी के बारे में और भी कोई नॉलेज हो तो आप कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।